हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का सीन कुछ ऐसा है कि यार गेमिंग पीसी तो नहीं कह सकता मैं उसको, मैंने उसको गेमिंग के लिए नहीं बनाया, मैंने उसको बनाया एज अ वर्क स्टेशन अपने लिए। ठीक है, आज हम पूरी उस पर बात करने वाले हैं, तो साथ बनाए रखिए। गेम्स आज जो है ना वो ऊपर से आएंगे, मैं ऐसा रहा हूँ कि ऊपर से आना गेम्स इज़ लाइक ऊपर से आएंगे, तो साथ बनाए रखिए। सबसे पहले तो एक अच्छा वर्क स्टेशन बनाने के लिए आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए? एक मदरबोर्ड, एक अच्छा सा प्रोसेसर, लेटेस्ट साउंड और रैम्स जो कि गेमिंग वाली हो, क्योंकि वो ओसी हो सकती हैं। देन उसके बाद एक आपका हार्ड ड्राइव होनी चाहिए, मतलब कि वास्ट वैरायटी ऑफ स्टोरेज आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास एक एसएसडी होनी चाहिए, इफ़ यू वांट योर पीसी टू बी बूट फास्ट। सही बोला, अंग्रेजी आना चाहिए। ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत आपको सिर्फ उस वक्त पड़ती है जब आप बहुत ज़्यादा कोई हाई एंड मेरे लिहाज से मुझे ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिया। ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत आपको उस वक्त पड़ती है जब आप बहुत ज़्यादा ही कोई लाइक ग्राफिक्स से रिलेटेड काम करो जिसके अंदर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हो। मेरे काम में इफेक्ट्स अभी इतने नहीं लग रहे, बट इन फ्यूचर इंशाल्लाह व्हेन वी विल लाइक ऊपर से आ रहे होंगे, हम भी बहुत ज़्यादा ऊपर से, अभी ऊपर से आ रहे हैं, और जिस वक्त हम बहुत ज़्यादा ऊपर से आ रहे होंगे तो तब हम भी एक ग्राफिक कार्ड ले लेंगे, उससे फिर अपन लोग भी अपना स्क्रीन ऑन करेंगे। बाय द वे ये देख रहे हो वो टेन का पिंजरा है, वो पट्टे वट्टे और पाइप लाने पड़ेगा। जज नहीं करना, जज नहीं करना भाई, जज भाई कर भी लो तो कोई मसला नहीं, अपनी करो अपना चैनल तुम करो, ये अपना चैनल है, तुम अपने बंदे हो तो जज कर सकते हो। बाय द वे राइट नाउ आई एम ऑन टेरेस पे हूँ अपने, राइट ऑन माय टेरेस, और बस सीन्स ऐसे ही चल रहे हैं यार, बस वहीं बना सकते हैं। आवाम बहुत सारी आई हुई है यार, मतलब बच्चे हैं बहुत सारे, तो शोर शोर शोर। और यहाँ पे वो बाजे वाला भी आया हुआ है अभी फ़िलहाल, तो वो भी जो है ना वो लगा हुआ है। ये तो हो गई भाई पीसी की बात, इसके अलावा बात है कि यार ये जो गेम्स अब हुए हैं क्वालिटी के, इसका क्या सीन है भाई? तो जानी तो भाई पीसी पे काम करना तो शुरू कर दिया, बट यार अभी मसला ये है उसकी मैंने लाइटिंग सही नहीं करी। उसकी लाइटिंग सही करने के लिए मुझे लगेगा थोड़ा सा टाइम, और जब मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उसको मैं बहुत ज़्यादा सही से बनाना चाह रहा हूँ, और टेबल तो मेरी बहुत पहले की बनी हुई है, तो भाई एक समझ लो पूरी एक अपग्रेडेशन की अपडेट की वीडियो है जो कि आप सब इस वक्त देखने वाले हैं। इसमें थोड़ी बहुत मेरी बातें भी हैं, मज़ा आ रहा है इन बातों का तो आप इन्जॉय करें, नहीं मज़ा आ रहा तो स्किप कर दें आगे। लाइक कितने पे आई डोंट नो, जहाँ पे भी आगे चकर के देख लो वीडियो शायद आ जाए, जहाँ पर तुम्हारी मतलब कि वो टेक की वीडियो आ जाए, क्लिप आ जाए वहाँ पे मज़े करो, नहीं मज़े आते तो फिर अगली वीडियो पे आओ ना यार, अगली वीडियो के लिए आओ। तो सीन ये था कि मुझे बजट फ्रेंडली अपना सेल्फ गेमिंग पीसी बनाना है। मैंने जो है ना वो बहुत सारे जो है ना कंपोनेंट्स जो है वो मार्केट से आफ्टर मार्केट उठाए, और बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है वो बेसिकली मैंने उनकी जो अपनी शॉप्स हैं उनसे उठाए हैं। ठीक है, उठाए हैं या लिए भाई, कराची के लाने तो उठाए हैं। उसके लिए मैंने लिया यार कोर i5 का 8600 इंटेल का है ये, तो ये कि ओसी भी हो सकता है, ये ओवरक्लॉक्ड हो सकता है। इसका ओवरक्लॉक का मतलब जिसको नहीं पता मैं उसका ये समझा दूँ, ओवरक्लॉक का मतलब ये होता है कि यू कैन टेक अप टू लाइक 5 GHz फ्रॉम दिस प्रोसेसर, इससे उतना काम ले सकते हो और 5 GHz पे। और ये मैं आपको एक बात बताऊँगी, रेंडरिंग के लिए ना आपको प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है, ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। दैट्स व्हाई आई डिडंट जस्ट ऐड अप अ ग्राफिक कार्ड इन माय पीसी, मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज़ रेंडरिंग। ठीक है, और उसके लिए डेटा की हमने उसके बाद मैंने एक डेटा की रैम ली है जो कि ये खाली डब्बा पड़ा हुआ है, तो ये रैम पीसी के अंदर 8 GB की रैम है, ये 266 Z370 का मदरबोर्ड लिया है, Z370 MDSSDS 3 GB, जैसे कि आप देख भी सकते हैं अगर नहीं नजर आ रहा तो ये देखें।
और एंटेक की पावर सप्लाई है VP450 जो कि बहुत अच्छा सपोर्ट, बहुत अच्छा जो है ना वो आपको काम करके देगी, आपके सारे काम ये आराम से निकाल सकती है एंड इट हैज़ इनफ मच इनफ पावर दैट इट कैन ओवरक्लॉक योर दिस थिंग। और इसके अंदर XMP प्रोफाइल, इस मदरबोर्ड को लेने का फ़ायदा ये था कि दैट 370 के अंदर चीपेस्ट मदरबोर्ड है राइट नाउ अभी तक, इसके अलावा मुझे कोई नहीं पता क्या है। इसके अलावा MSI और एजरॉक के बोर्ड भी थे तो वो पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं होते जस्ट बिकॉज के वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और उनके ऊपर ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगती है कस्टम की वजह से पाकिस्तान, क्योंकि द बैडेस्ट थिंग आई थिंक कि ये सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये चीज़ अगर आप देखा जाए तो आप ये चीज़ आपके इंटरनेशनल मार्केट को और आपके जो है ना वो इम्पोर्ट है ना ये उसको रोक रही है आपकी, तभी उसकी वजह से चोरियाँ होती हैं, उसी की वजह से ही टैक्स चुराया जाता है, उसी की वजह से ड्यूटी चोरी होती है, उसी की वजह से ही वट एवर जो भी है। फ़र्क मैं यहाँ पे किसी को वो करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं बस बताने के लिए बैठा हूँ कि यही मेरे ख्याल से यही वजह है जिनकी वजह से जो है ना लोग वो मोबाइल अनड्यूटी मोबाइल और अनड्यूटी चीज़ें लेकर आते हैं पाकिस्तान में और उस तरह से वो यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो है ना वो मैं प्रोडक्ट बताया था आपको भाई, इसके अंदर C4GB का लेन है, हाई क्वालिटी ऑन बोर्ड ऑडियो डिज़ाइन है, जैपनीज कैपेसिटर्स हैं, स्मार्ट 5 है, हाइब्रिड फीचर्स हैं, 4K सपोर्टेड है, एंटी सल्फर है, 4DIMM पोर्ट्स हैं इसके अंदर के, 4 RAM स्लॉट्स हैं और DS3H है, ये DVI पोर्ट्स हैं इसके अंदर, 6 3.1 Gen 2 के पोर्ट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर हीट सिंक नहीं लगा हुआ, दैट्स वाई वो कह रहा था कि ये जल जाएगी, मगर इसने एक साल की वारंटी दी तो आई एम प्रीटी मच, और एक साल की वारंटी इसकी भी है। इसके अलावा इसमें अलावा 2-3 चीज़ें और हैं जो मैंने मार्केट सब ये इसकी जो कि यहाँ पे इस वक्त नहीं है मेरे पास दिखाने के लिए, क्योंकि उनके बॉक्सेस नहीं थे, दे आर जस्ट पैक्ड इन अ सील ऑफ रैपर, सी रैप सील थी उनकी। तो उसके अंदर मैंने एक SSD लगाई है 128GB की सैमसंग की, नॉट दैट वीवो और 960 वो वाली नहीं है, वो सीरीज नहीं है, बजट वाला सीन था। SSD लगाई है टू दैट मेक्स योर PC बूट अप फास्ट एंड रन योर ऑल दे मतलब सॉफ्टवेयर और फास्ट काम करती है। बस TV की हार्ड ड्राइव लगाई है फॉर ऑल माई स्टोरेज, मीडिया स्टोरेज के लिए। वन सबसे इनका बड़ा ये है कि ये ओरासैन सपोर्ट नहीं करता, ओरासैन जिन चीज़ को जिन लोगों को नहीं पता उसके लिए उनकी मैं मालिश के लिए बता दूँ कि ओरासैन पता नहीं गीगाबाइट का किसी इस तरह का ही होता है, ओरासैन के गीगाबाइट का इसके अंदर वो सपोर्ट नहीं करता, सही ना, जिसकी वजह से ये जो है ना वो लाइटनिंग सपोर्ट नहीं करता, RGB आपके गेमिंग PC का जो लोग होता है ना वो सपोर्ट नहीं करता। तो उसके लिए मैंने ये करा कि यार मैंने जो है वो जुगाड़ लाइटनिंग के वो सीन चेक कर रहा, पावर करकर RGB कर दिया है, बट वो RGB सपोर्टेड नहीं है, उसको रेड रहेगा, बट मेरा PC जो है वो इस वक्त नंबर 1 क्लास पर चल रहा है, मुझे पसंद आ रहा है ये मेरा PC। इसके अलावा मॉनिटर भी मेरे पास बिल्कुल सिंपल सा है, 19 इंच का मॉनिटर है जो नॉर्मल सा माउस होता है, ब्रांडेड वो है, ब्रांडेड कीबोर्ड है नॉर्मल सा। आई होप सो कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी है तो यार लाइक कॉमेंट और शेयर या कर देना, इन्फॉर्मेटिव वीडियो यार, टेक वीडियो है भाई।